Hi everyone, good afternoon. So welcome to the class everybody. Before starting with the questions, I would like to give you a quick introduction of the new initiatives by Unacademy. So first we have the right time to start your UPSC preparation. This is the right time, you can hurry up, get your subscription, because currently subscription lene pe bahut sare offers aapke liye available hai, and all these prices, all these discounted prices, they are going to increase, they are going to hike from 1st of August onwards, right? So you can hurry up and avail all these offers by getting minimum 1 year ka subscription. तो सबसे पहले ये जो limited period offer है जिसके अंडर discounted prices available है, ये आपके डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं 57.5 के. इस प्राइस में आपको बैचेस मिल रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, बुक्स इंक्लूडेड हैं, और ऑप्शनल बैचेस विद टेस्ट सीरीज, ये सब आपको दिया जा रहा है, अवेलेबल करवाया जा रहा है एट दिस प्राइस, वेयर एज दिस इज द ओरिजिनल प्राइस, राइट? सो यहाँ पे अगर आप यू नो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम. ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे फ्रॉम 1st of August ऑनवर्ड्स दोबारा से प्राइसेस हाइक हो जाएंगे. देन वी हैव वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, जिसके अंडर अगर आप प्लस जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल या फिर आइकॉनिक जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन सेव 25% विद ऑप्शनल, 10% यूजिंग द रेफरल कोड विच इज़ AKB10, एडिशनल 10% ऑफ ऑन प्लस जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल ओनली, एंड उसके भी साथ साथ फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्लस प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, राइट? तो ये सारे ऑफर्स आपके लिए अवेलेबल हैं अगर आप मिनिमम 1 ईयर का कॉम्बो प्लस जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल या फिर आइकॉनिक जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं. देन वी हैव CSE एश्योर, अगर आप यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर उससे ज़्यादा का, एंड स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, देन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इज ऑन अस. यानी कि यहाँ पे CSE एश्योर के अंडर आपका जो 1 ईयर एक्सटेंशन है, दैट इज बींग प्रोवाइडेड टू यू फॉर फ्री, राइट? सो यू कैन यूज द कोड AKB10, subscribe right now and get CSE Assure. Then we have free test series. अगर आप minimum 1 year का subscription लेते हैं, उसके साथ you will get 50 prelims test and 30 mains test for free. उसके साथ साथ minimum 1 year subscription लेने पे you will also get 20 books for free. उसके साथ साथ यहाँ पे लोन का फैसिलिटी भी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, बट उसके लिए आपका लोन का रिक्वायरमेंट है, दैट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल. बहुत ही ईजी सिंपल सा प्रोसेस है, कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर नहीं चार्ज किया जाएगा. देन वी हैव कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि हर संडे सुबह 11 बजे कंडक्ट करवाया जाता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में. इसमें टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है. सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट. करना क्या है, बस ये कोड आपको याद रखना है, AKB10, ये कोड यूज़ करके आप इजीली इस कॉम्बैट टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, राइट? देन वी हैव किताब सीरीज, अ न्यू सीरीज हैज़ बिन लॉन्च्ड ऑन अनअकैडमी फ्रॉम July 17 onwards, which is basically a value addition course covering discussion on 2 books per week. Also, this course is going to benefit the learners, especially for Indian Society, International Relations, Ethics and Essay Paper. Then we have new batches 2021 as well as 2022 and also 2023 के जो aspirants हैं, सब के लिए नए batches शुरू होने वाले हैं from 28th of July onwards. सबसे पहले we have Phoenix Revision Batch, जिसमें prelims mains का पूरा revision cover करवाया जाएगा along with prelims and mains test series. Also we have 1 year batches and 2 year batches, जिसमें prelims mains का पूरा syllabus cover करवाया जाएगा along with NCERT and prelims test series. Then also we have NCERT batches, जहाँ पे complete NCERT coverage आपको मिलेगा. तो ये जो सारे batches हैं, ये हिंदी medium में भी available हैं, bilingual भी हैं, और यहाँ पे English batches भी available है. तो इनमें से किसी भी batch को join अगर आप करना चाहते हैं, you can get either iconic or plus का subscription. जितने भी मंथ्स का कोर्स आपके लिए सूटेबल है, यू कैन सिलेक्ट दैट एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन. सो डू सब्सक्राइब टू Unacademy, लेट्स क्रैक इट. ऑल राइट, सो हाई एवरी वन, गुड आफ्टरनून मुकेश, हनी, शालिनी, रक्षिता, गुड आफ्टरनून एवरीबडी. ऑल राइट, सो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया,
व्हाट वाज द पर्पस ऑफ विटली कमीशन, यहाँ पे विटली कमीशन लाया गया था उसका पर्पस क्या था, राइट, टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन, टू ड्रॉ अप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन इंडिया और टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया, राइट। बताइए विटली कमीशन का क्या पर्पस था यहाँ पे। ओके, गुड आफ्टरनून आकाश, गुड आफ्टरनून। ऑल राइट मुकेश, यू नो ही इज गेसिंग। ऑल राइट अभिनव एंड मुकेश हैव गिवन देयर आंसर्स। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? विटली कमीशन। ओके ऑल राइट दैट्स ग्रेट। ओके नो नो आकाश, यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। जो लेबर यहाँ पे प्लांटेशंस में काम करती थी ना, प्लांटेशंस में जो लेबर काम करती थी उनकी वर्किंग कंडीशंस को ऊपर यहाँ पे यू नो रिपोर्ट करने के लिए आपका विटली कमीशन बनाया गया था, राइट। बिल्कुल बिल्कुल हनी मेहता, यस, इसको रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी बोला गया। सो इन ऑर्डर टू रिपोर्ट ऑन द वर्किंग कंडीशंस ऑफ लेबर वर्किंग इन द प्लांटेशंस, उसको लेके यहाँ पे विटली कमीशन बनाया गया था। वेरी गुड एवरीवन। आकाश अभी ध्यान में रखना है, दिस इज यू नो व्हाट आपका विटली कमीशन रिलेटेड था, राइट। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिफॉर्म्स और सिविल सर्विसेज और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, नो, लेबर की वर्किंग कंडीशन के ऊपर रेकमेंड करना था, राइट, ये चीज़ है। गुड आफ्टरनून समीर, गुड आफ्टरनून। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड एंड इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। आचार्य जे बी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधीज कॉलीग्स इन हिज चंपारण सत्याग्रह। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। ओके All right, some are with option number C and some are with option number B. Okay. All right, so answer यहाँ पे रहेगा B only. पहला statement गलत है, दोबारा से देखिए first statement को। आपको मालूम है आचार्य जे बी कृपलानी वॉज वन ऑफ द महात्मा गांधीज कॉलीग्स इन हिज चंपारण सत्याग्रह, ये बिल्कुल सही है। इनके अलावा भी नरहरि पारेख एंड ऑल वर देयर, राइट। ये जो पहला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परसुएडेड एंड इन्वाइटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। वो राजेंद्र प्रसाद ने नहीं इन्वाइट किया था, दैट वॉज राजकुमार शुक्ला, राइट। राजकुमार शुक्ला वॉज द वन हु इन्वाइटेड, राइट, याद आया सबको। राजकुमार शुक्ला ने यहां पे इनवाइट किया था गांधी को और फिर वो यहां पे आए थे यू नो चंपारण में, एंड ही टुक दिस चंपारण वाला इशू इन हिज हैंड्स। तो पहला बिल्कुल गलत है, राइट, राजकुमार शुक्ला, हां जी, राइट। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हाय शशांक, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राइट, क्लियर एवरीबॉडी, ध्यान में आया सबको? हाँ, देर वॉज डेफिनेटली बंसल, इट वॉज देर। यहाँ पे जे बी कृपलानी के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी गांधी को यू नो यहाँ पे अकंपनी किया था इन द चंपारण सत्याग्रह, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था गांधी को चंपारण में। वो साथ में गए ज़रूर थे, ही यू नो अकंपनीड महात्मा गांधी इन दिस चंपारण इशू, बिल्कुल वो सही है, लेकिन उन्होंने परसुएड और इनवाइट नहीं किया था, दैट वॉज राजकुमार शुक्ला, राइट, एक लोकल थे यहाँ के, उन्होंने इनवाइट किया था, राइट, ये चीज है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ एवरीबॉडी? हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद वॉज डेफिनेटली देयर बट ही वॉज नॉट द वन टू इनवाइट गांधी टू चंपारण एंड यू नो टू लुक इन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। ऑल राइट ग्रेट समीर, ही वॉज द वन जिन्होंने इन्वाइट किया था, राजकुमार शुक्ला, ही इन्वाइटेड एंड परसुएडेड गांधी टू कम टू चंपारण एंड यू नो टेक अप दिस चंपारण इशू। ओके ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
prior to the establishment of Home Rule League by Annie Besant, it was Lokmanya Tilak who had set up Home Rule League at Pune. The Congress in its Bombay session in 1915 passed a resolution demanding Home Rule for India. बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? Which of the statements given above is are correct? All right, A and C, ये दो आंसर आए हैं अभी तक. Some are with option number A, some are with option number C. Okay, some are guessing. And Abhinav has, okay. All right, yes, Shalini, बिल्कुल यहाँ पे A only is the correct answer, right? यहाँ पे prior to the establishment of Home Rule League by Annie Besant, उन्होंने September 1916 में बनाया अपना Home Rule League, right? यहाँ पे जो तिलक थे वो उनसे पहले बना चुके थे, April 1916 में ये बना चुके थे, right? So ये बिल्कुल सही है आपका statement number वन. लेकिन जो statement number टू है, the Congress in its Bombay session in 1915 passed a resolution demanding home rule for India, ये बिल्कुल गलत है. ऐसा कोई resolution Congress ने नहीं pass किया था, right? In fact, Annie Besant was waiting कि Congress pass करेगा resolution, but officially ऐसा कोई resolution pass नहीं हुआ था. लेकिन ऐसा नहीं था कि Congress ने सपोर्ट ही नहीं किया होम रूल लीग को, सपोर्ट किया, पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई रेजोल्यूशन यहां पे पास नहीं किया गया था 1915 बॉम्बे सेशन में जिसमें यू नो होम रूल डिमांड किया गया हो, राइट? सो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. आंसर आपका रहेगा ए, वन ओनली, राइट? ओके, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which of the following revolutionaries set up the United India House in USA? United India House set यहाँ पे बनाया गया था USA में, सियाटल में. कौन दो revolutionaries थे जिन्होंने ये सेटअप किया? रामनाथ पुरी, वीर सावरकर, तारकनाथ दास एंड जी डी कुमार, लाला हरदयाल एंड भगत सिंह एंड हरनाम सिंह एंड भगवान सिंह. ओके, कि इसमें काफ़ी डिफरेंट आंसर्स हैं, बी सी डी. ऑल राइट एवरीबडी, प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट, राइट? ओके, सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर, राइट? यहाँ पे बी आपका सही आंसर है. बहुत बच्चे आर विद ऑप्शन नंबर डी, बी इज द करेक्ट आंसर योर. तारकनाथ दास और जी डी कुमार ने बनाया था आपका यू नो क्या कहते हैं यूनाइटेड इंडिया हाउस यूएसए में, सियाटल में इन्होंने ये बनाया था. उससे पहले वैनकूवर में स्वदेश सेवक होम बनाया था, राइट? लेकिन उसके बाद यहाँ पे यूएसए आए थे, राइट? तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया गया था बाय तारकनाथ दास एंड जी डी कुमार, राइट? अब से ध्यान में रखना है, ये नहीं है ए सी और डी गलत आंसर्स हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, तारकनाथ दास एंड जी डी कुमार, राइट? क्लियर एवरीबडी, दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द कलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट? यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इन यू नो क्या कहते हैं इन इवेंट्स का, राइट? ये चीज़ है. हाँ, सारे गदर से रिलेटेड हैं बंसल, लेकिन स्पेसिफिकली यूनाइटेड इंडिया हाउस किसने एस्टैब्लिश किया था? वो आपके तारकनाथ दास और जी डी कुमार है, राइट? ये चीज़ है. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट? ओके, हाँ जी. सो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है. मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लखनऊ पैक्ट, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो जो पहले स्टार्ट हुए इवेंट्स, आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है. ओके, ओके, okay.
वी हैव लॉट ऑफ करेक्ट आंसर्स हियर. बिल्कुल सही, वेरी गुड एवरीबडी. बी इज द करेक्ट आंसर हियर. सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आ गए. फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली 1911. उसके बाद आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, राइट, या फिर 15 कह लो, कभी कभी 15 भी आ जाता है. सो यहाँ पे लखनऊ पैक्ट आपका 1916 को हुआ, राइट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट, दिस इज देयर. सो आंसर आपका रहेगा यहाँ पे बी 1, 2, 3 and 4, राइट. क्लियर एवरीवन, सबका आंसर बिल्कुल सही था. वेरी गुड. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट. ये कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं. अटेम्प्ट टू मर्डर जज किंग्सफोर्ड, मर्डर ऑफ द प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना रैन, यहाँ पे बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरॉय हार्डिंज एंड असैसिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट कर्जन विली, राइट. हनी मेहता, सबका आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, राइट. सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अच्छे से आपको इनका यू नो ईयर भी मालूम होना चाहिए एंड हु वॉज द पर्सन बिहाइंड ऑल दीज इंसिडेंट्स, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. ओके, सो डी बी सी गेस. ऑल राइट, दिस इज, आप सबने सुना हुआ है इन सब इंसिडेंट्स के बारे में, राइट. हाँ जी, यस, इन सब इंसिडेंट्स के बारे में सबने सुना हुआ है ना. यहाँ पे जज किंग्सफोर्ड के ऊपर मर्डर का अटेम्प्ट था यहाँ पे, राइट. फिर यहाँ पे मर्डर ऑफ प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना, बॉम्ब अटैक ऑन वाइसरॉय हार्डिंज, वो यहाँ पे बच गए थे, असैसिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेट कर्जन विली. तो यहाँ पे देखो, चलो दिस इज योर होमवर्क देन. ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, राइट. इनके आपको डेट्स देखने हैं, राइट. उसके साथ साथ किसने इनको यू नो हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. यस, चापेकर ब्रदर्स वर देयर, राइट. यहाँ पे ये सब आपको देखना है, ओके. चलो ये आपका यू नो ये आपको देखना है, राइट. कल क्लास से पहले आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा, टुमारो जब भी हम यू नो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप उससे पहले यू नो कोई भी डाउट रहेगा, यू कैन क्लियर, राइट, ओके. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको ये सारे डेट्स वगैरह मालूम होना एंड हु वॉज द वन बिहाइंड दिस, वो भी आपको मालूम होना चाहिए. समीर, दिस इज वेरी इजिली अवेलेबल इन योर बुक, आपको बहुत इजिली ये मिल जाएगा, राइट. आप खुद से देखोगे, आपको ज्यादा ध्यान में रहेगा, राइट. मैं अभी बता दूंगी, आप सुन लोगे, देन यू विल फॉरगेट, राइट. सो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू मोर, ओके. ऑल राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह को लेके यहाँ पे कुछ फिर से स्टेटमेंट्स हैं. इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी अलॉन्ग विद मजहार उल हक, जे बी कृपलानी एंड नरहारी पारिक. ये यहाँ पे है पहला. सेकेंड इज द सत्याग्रह एंडेड वेन द प्लांटर्स अग्रीड टू रिफंड ऑल द मनी दैट दे हैड टेकन इन लीगली फ्रॉम द पीजेंट्स. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ओके. सम आर विद आंसर नंबर ए, सम आर विद ऑप्शन नंबर बी, ओके ओके, राइट बंसल. तो इस तरीके से, राइट, जैसे यहाँ पे यू नो राजेंद्र प्रसाद वॉज ऑल्सो देयर, मजहार उल हक, जे बी कृपलानी, सो मैनी वर देयर हु अकम्पनीड महात्मा गांधी, राइट. सो यस, यहाँ पे आंसर आपका रहेगा ए. तो कोई मुझे बताएगा सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, वॉट इज रॉन्ग इन स्टेटमेंट नंबर टू. आंसर सिर्फ यू नो ए है, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है.
पहला इट वॉज लेड बाई महात्मा गांधी अलॉन्ग विद मजहार उल हक जे बी कृपलानी नरहारी पारिक, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट ध्यान से देखो, द सत्याग्रह एंडेड व्हेन द प्लांटर्स अग्रीड टू रिफंड ऑल द मनी, प्लांटर्स डिड नॉट अग्री टू रिफंड ऑल द मनी, ऐसा नहीं है, खाली 25% रिफंड करने के लिए उन्होंने अग्री किया था, राइट, दे डिड नॉट अग्री टू रिफंड ऑल द मनी दैट दे हैड टेकन इलीगली फ्रॉम द पीजेंट्स, राइट, यहाँ पे खाली 25% था, राइट, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट, पेपर में आपको 50% लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे ऑल लिखा है, राइट, 55% लिख सकते हैं, सो यू शुड रिमेंबर, राइट, हाँ जी, सो यहाँ पे 25% उन्होंने माना था कि वो रिफंड करेंगे, राइट, ये चीज हुआ था, राइट, सो फिर धीरे धीरे प्लांटर्स दे लेफ्ट द एरिया एंड यू नो सारा सिचुएशन ये ठीक हुआ था, राइट, यस, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तीन कथिया सिस्टम से ये रिलेटेड था, वेरी गुड, पार्टिसिपेशन इज वेरी गुड टुडे, सो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, ये ध्यान में रखना है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स वर टेकन बाय गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका, व्हेन गांधी वॉज देयर इन अफ्रीका, उस टाइम पे उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए फ्रॉम द फॉलोइंग, सेटिंग अप ऑफ नटाल इंडियन कांग्रेस, कैंपेन अगेंस्ट इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, एंटी अनटचेबिलिटी लीग, स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन, तो बताइए यहाँ पे कौन सी इनिशिएटिव्स उन्होंने अफ्रीका में रहते हुए यहाँ पे ये इनिशिएटिव्स लिए थे। ओके, बंसल हैज गिवन अ वेरी क्विक आंसर, कपिल ध्यान से देखो, करेक्ट आंसर आपको मालूम है, जल्दी करते हो थोड़ी, अभिनव ध्यान से देखो ऑप्शंस को दोबारा से, ओके, रक्षिता हैज गिवन टू ऑप्शंस, ऑल राइट, देखो एंटी अनटचेबिलिटी लीग ये कब बनाया गांधी ने, एंटी अनटचेबिलिटी लीग क्या ये अफ्रीका में बनाया था, एंटी अनटचेबिलिटी लीग गांधी ने अफ्रीका में बनाया था क्या, सोचो एक बार, सेटिंग अप ऑफ नटाल इंडियन कांग्रेस बिल्कुल सही है, कैंपेन अगेंस्ट इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस ये भी बिल्कुल सही है, स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन ये भी सही है, एंटी अनटचेबिलिटी लीग इंडिया में बनाया था, राइट, यहाँ पे ये अफ्रीका में नहीं था, देखो अब खुद सोचो अफ्रीका में एंटी अनटचेबिलिटी लीग, नो वो इंडिया में था, राइट, ये चीज़ है, कब बनाया था ये लीग ये आपको देख के आना है, राइट, एंटी अनटचेबिलिटी लीग कब बनाया था गांधी ने ये आपको देखना है, ओके, कब बनाया, ईयर कौन सा था, दिस यू शुड नो, ओके, सो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए 1, 2 and 4, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, शालिनी क्लियर हुआ, क्लोज समीर ऑलमोस्ट देयर, राइट, तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से पढ़ा करो गेस करने से पहले, राइट, ऑल राइट, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई मॉन्टेग एज प्रिवेंटिव मर्डर, राइट, मॉन्टेग जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने किस इवेंट को प्रिवेंटिव मर्डर बोला था, राइट, किलिंग ऑफ INA एक्टिविस्ट, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, शूटिंग ऑफ महात्मा एंड शूटिंग ऑफ कर्जन वाई थे यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे कौन से इवेंट को प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग, ओके, राइट, यस, करेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग, ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1990 को, उसको प्रिवेंटिव मर्डर बोला गया था, राइट, बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग, राइट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, सबका आंसर बिल्कुल सही था, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीजंस बिहाइंड द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का थर्ड क्वेश्चन है ये, चंपारण सत्याग्रह को लेके क्वेश्चंस है, सबसे पहला, इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द तीन कथिया सिस्टम imposed by European indigo planters as German synthetic dyes replaced indigo, these European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants,
Then the peasants were forced to sell the produce at prices fixed by the Europeans. So बताइए इनमें से कौन से सही reasons हैं which led to the चंपारण सत्याग्रह of 1917? Okay, we have some correct answers here. All right. ओके दैट्स ग्रेट एवरीवन, डी इज द करेक्ट आंसर. राइट, तीन कथिया सिस्टम जो था जिसके अंडर लैंड के 3/20th पार्ट पे पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था टू ग्रो इंडिगो. राइट, उसके चलते यहाँ पे इलीगल ड्यूज भी इनसे कलेक्ट किए जाते थे. व्हेन इंडिगो वाज रिप्लेस्ड बाय जर्मन सिंथेटिक डाइज, तो यहाँ पे यूरोपियन प्लांटर्स को लॉसेज होने लग गए थे. अपने लॉसेज को रिकवर करने के लिए देवर कलेक्टिंग इलीगल ड्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स. उसके साथ साथ यहाँ पे पीजेंट्स वर ऑल्सो फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस. ये तीनों बिल्कुल सही यू नो स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग द रीजंस बिहाइंड द चंपारण सत्याग्रह. वेरी गुड एवरीबडी, डी इज द करेक्ट आंसर. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, वंस द प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. नो नो नो, यू गाइज आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगैन. आई टोल्ड, कल भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया. आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम्स एनी बेसेंट वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी. आप सुनते नहीं हो, मैंने आपको इतनी बार बताया एनी बेसेंट फाउंडर नहीं थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की. ये गलत है, फाउंडर नहीं थी. फाउंडर एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट थे. सेकंड बिल्कुल गलत है. राइट, सेकंड बिल्कुल गलत है. रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, येस. वंस द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, येस. 1917 के सेशन के थे, लेकिन फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं. बाद में शी वॉज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी, लेकिन फाउंडर नहीं थी. दैट वॉज एच पी ब्लावात्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट. ये आपका सेकंड बिल्कुल गलत है. राइट, याद आया, इतनी बार आई टोल्ड यू एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना करो. राइट, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर योर एंड नॉट डी. जल्दबाजी में आंसर देते हो, डी बिल्कुल गलत आंसर है. राइट, पेपर में ये मिस्टेक नहीं करना है. एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, यू ऑल नो दैट यू नो वेरी वेल. राइट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये यहाँ पे आ गया है आपका, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है इन इवेंट्स का. All right. ओके दैट्स ग्रेट एवरी वन, दैट्स ग्रेट. राइट, सो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, राइट, एवरीबडी नोज 1885 में फाउंड हुआ. मुस्लिम लीग 1906 के एंड में फाउंड हो गया. फिर यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, राइट, एंड देन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग 1932. राइट, सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4, 1, 3 and 2. दिस इज द करेक्ट आंसर. राइट, आकाश अभी क्लियर हो गया. आई हैव मेंशनड द डेट्स एज वेल. सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. राइट, ये जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हमने अफ्रीका वाले यू नो क्या कहते हैं ऑप्शन में यूज किया था, तो वहां पे यू नो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इंडिया में बनाया गया था. राइट, व्हेन ऑल दैट कम्युनल अवार्ड, वो सब चीजें चल रही थी. राइट, ना कि अफ्रीका में, इसीलिए वो
गलत था, राइट? सो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये गलत है, ओके? सो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए. सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीबडी. कल नेक्स्ट चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यू नो आपका होम रूल से, और क्वेश्चन आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म से कुछ क्वेश्चंस हो गए. सो वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स, राइट? सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन. कम प्रिपेयर्ड. और ये जो मैंने आपको बोला है, प्लीज लुक इन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डेट्स एज वेल एज द पर्सन बिहाइंड दिस, प्लीज लुक इन टू दिस और इसको अच्छे से ध्यान में रखो. क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, ओके? ऑल राइट. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी. अगर आपको क्लास अच्छा लगा, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर MCQs, यू कैन ज्वाइन माई क्लासेज ऑन Unacademy. फ्री क्लासेस हैं, इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको मेरी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट? सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन. सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.